हेलो फ्रेंड्स, मैं संबला कुलकर्णी आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं आपको लीनियर सर्च के वर्किंग के बारे में बताने वाली हूँ। लीनियर सर्च कैसे वर्क होता है, हम उसको सिक्वेंशियल सर्च और सीरियल सर्च भी बोल सकते हैं। अगर आपको लीनियर सर्च से पहले सर्चिंग का इम्पोर्टेंस और उसका हमारी लाइफ में यूज इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे आप पहले वाले वीडियो में ये सारे चीज़ें देखकर ये करंट वाला वीडियो आप रिज्यूम कर सकते हो। इसके साथ साथ लीनियर सर्च का इंट्रोडक्शन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू लीनियर सर्च। ये वीडियो हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। यहाँ पे डायरेक्टली लीनियर सर्च कैसे वर्क होता है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। तो लीनियर सर्च जो होता है, हम दोनों टाइप ऑफ लिस्ट पे वर्क कर सकते हैं। अगर हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है तो भी हम लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है तो भी हम यहाँ पे लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है तो हमें क्या करना है। तो कौन सी भी लिस्ट हो, सॉर्टेड लिस्ट हो अनसॉर्टेड लिस्ट हो, हमें तो जीरो से ही स्टार्ट करना है। जीरो से स्टार्ट करके जो हमें एलिमेंट सर्च करना है, जिसको हम की बोलते हैं, वो जब तक सर्च नहीं हो जाता, हमें मिल नहीं जाता, तब तक हमें कंपेरिजन करते रहना है। एक तो वो मिलने के बाद हमें कंपैरिजन स्टॉप करना है, नहीं तो अगर हम एंड ऑफ द लिस्ट पे अगर आ गए हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल रहा है। इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे थे वो हम लिस्ट के एंड तक जाकर भी हमें नहीं मिला है, इसका मतलब हमारा सर्च अनसक्सेसफुल हुआ है। यही सारी चीजें हम सॉर्टेड लिस्ट में भी करेंगे। पर क्या हम सोच सकते हैं कि सॉर्टेड लिस्ट, मतलब मैंने यहाँ पे दोनों अलग चीज क्यों आपको बताई है, अनसॉर्टेड भी और सॉर्टेड भी, अगर दोनों इसमें सेम ही परफॉर्म करना है तो सॉर्टेड लिस्ट का एक एडवांटेज ऐसे है कि सॉर्टेड लिस्ट, इसका मतलब हमारा जो लिस्ट होगा, एरे होगा, वो किसी ऑर्डर में, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में होगा नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो हम ये ऑर्डर का एडवांटेज लेके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, जो हमें की एलिमेंट सर्च करना है, हम जब एवरी टाइम कंपेयर कर रहे हैं हमारा की एलिमेंट, जो कि हम कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट से जो हमारी एरे में प्रेजेंट है, अगर हमारा की एलिमेंट लेस है, उसका वैल्यू लेस है जिसके साथ अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे जाके हमें जो की एलिमेंट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी करंटली जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उससे ही उसका वैल्यू लेस है। तो हमें क्या करना है, वापस स्टॉप कर देना है। इसका मतलब है कि हमारा सर्च अनसक्सेसफुल हुआ है। अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स है और मान लो कि पहले ही 5-10 एलिमेंट के बाद ही हमें 5th एलिमेंट के बाद ही हमें पता चल गया है कि आगे जाके जो एलिमेंट है वो सारे ग्रेटर है देन दैट ऑफ द की एलिमेंट, तो हमें आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आगे वाले 95 एलिमेंट्स हम स्किप कर सकते हैं, इसका मतलब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एडवांटेजेस अगर हम सॉर्टेड लिस्ट यूज करते हैं। अगर हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट नहीं है, अनसॉर्टेड है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और हम सर्च करेंगे कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। पर अगर हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एडवांटेज है, जो कि हम ये वाला टेक्निक यूज करके हम हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि लीनियर सर्च का वर्किंग कैसे होता है। ये तो जनरल वाला मैंने एग्जाम्पल ले लिया है जहाँ पे अनसॉर्टेड लिस्ट है, ये मेरे पास 7 एलिमेंट्स है और इसमें से हमें 95 की सर्च करना है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जीरो एलिमेंट से हम स्टार्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं 95 100 के साथ इक्वल है या नहीं, अगर नहीं है तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे जाके उसके साथ कंपेयर करना है।
12 से कंपेयर करना है, ये इक्वल है या नहीं, नहीं है तो फिर से आगे जाना है, ऐसे हमें आगे जाते रहना है जब तक कि हमें वो एलिमेंट मिल नहीं जाता। अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो हम इसे सक्सेसफुल सर्च बोलते हैं। मान लो कि अगर मुझे 110 यहाँ पे सर्च करना है तो 110 यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, और एट द एंड ऑफ द लिस्ट भी इक्वल नहीं है 110। इसका मतलब मैंने सारे एलिमेंट वन बाय वन कंपेयर कर लिए फिर भी मुझे 110 अगर नंबर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेरा सर्च अनसक्सेसफुल हुआ है। तो इसका वर्किंग मैं एग्जाम्पल के साथ अभी नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये वाला हो गया मेरा सबसे पहला वाला एग्जाम्पल जिसपे मैंने अनसॉर्टेड लिस्ट लिया है। तो ये हो गया मेरा अनसॉर्टेड लिस्ट, एरे है मेरा जिसमें डेटा और एलिमेंट्स जो है वो किसी ऑर्डर में नहीं है। तो अभी वही एग्जाम्पल लेते हैं, हमें 95 सर्च करना है। तो 95 तो 100 से कंपेयर हो गया, इक्वल नहीं है। तो 95 आगे जाके 12 से कंपेयर हो गया, ये भी इक्वल नहीं है। तो वन बाय वन जो 95 है वो हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम अगले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारा 95 जो कंपेयर हो रहा है खुद 95 के साथ, इसका मतलब है कि हमारा 95 लिस्ट में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल सर्च। अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं कि हमने क्या किया विथ रिस्पेक्ट टू एन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जीरो एलिमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जो हमें की सर्च करनी है दैट इज 95 इन आवर एग्जांपल, वो हम कंपेयर कर रहे हैं विद द करंट एलिमेंट दैट इज जीरो एलिमेंट ऑफ आवर एरे। अगर जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं वो इक्वल है तो सर्च इज सक्सेसफुल हम कह के यहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे, पर अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें कहाँ पे जाना है, एल्स पे जाना है, और एल्स में जाके हमें नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करने के बाद हमें फिर से स्टेप वन दैट इज कंपैरिजन से हमें फिर से स्टार्ट करना है। तो हमारा अब हमारा करंट एलिमेंट क्या हो गया, नेक्स्ट वाला एलिमेंट अब हमारा करंट एलिमेंट हो गया, और फिर से हमें कंपेयर करना है, अगर वो इक्वल है तो सक्सेसफुल सर्च है, अगर इक्वल नहीं है तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है। तो ये हो गया सिंपल एग्जाम्पल जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारा सर्च इक्वल है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि सर्च इज सक्सेसफुल एंड हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। पर अब मैं अगला वाला एग्जाम्पल लूंगी जहां पे मुझे 80 यहाँ पे सर्च करना है। तो 80 अगर मुझे सर्च करना है तो ऑब्वियसली मैं तो जीरो एलिमेंट से ही स्टार्ट करूंगी कंपेरिजन। तो ये जीरो एलिमेंट के साथ कंपेयर करके हो गया है, इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो अभी 80 हो गया 12 के साथ कंपेयर जो कि इक्वल नहीं है, फिर से आगे जाके मैं 80-83 से कंपेयर करूंगी, इक्वल नहीं है। 80 मैं नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगी मतलब कि 46 के साथ, और ये भी इक्वल नहीं है। अभी मैं 80-95 के साथ कंपेयर करूंगी, ये भी इक्वल नहीं है। आगे जाके आपको ऐसे दिखाई देगा कि हर एक एलिमेंट के साथ मैंने कंपेयर कर लिया है पर 80 तो मुझे कहीं मिला नहीं। तो इसका मतलब है ये हो गया मेरा अनसक्सेसफुल सर्च। इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशंस क्या है, हमें एल्गोरिथम क्या लिखना है। तो ऑब्वियसली मुझे तो जीरो से ही स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर में क्या करने वाली हूँ, डेटा नीड टू सर्च, इसका मतलब मैं जो की सर्च करने वाली हूँ वो की मैं करंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करूंगी। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, इक्वल नहीं है तो हमें वो करंट एलिमेंट चेक करना है कि ये लास्ट एलिमेंट है या नहीं। अगर ये हमारा लास्ट एलिमेंट होता है तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल सर्च है और हमें वहां पे स्टॉप कर देना है। अगर ये हमारा करंट एलिमेंट, अगर हमारा लास्ट एलिमेंट है तो, पर अगर ये लास्ट एलिमेंट नहीं है मतलब कि ये इफ वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया है तो ये एल्स में जाके नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करेगा। नेक्स्ट एलिमेंट को कब मूव करेगा, अगर ये हमारा लास्ट एलिमेंट नहीं है तो। अगर ये लास्ट एलिमेंट है और इक्वल भी नहीं है तो इसका मतलब हमारा सर्च अनसक्सेसफुल हुआ है और हमें स्टॉप करना है। पर अगर हमारा एलिमेंट लास्ट नहीं है तो हमें
आगे जाके फिर से कंपेयर करना है। और सबसे पहला वाला कंडीशन कि अगर ये इक्वल है तो नॉट इक्वल कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये चला जाएगा स्टेप नंबर टू को, और वो बता देगा कि ये इक्वल है, इसका मतलब हमारा सर्च सक्सेसफुल है, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा हुआ है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमें ये एल्गोरिदम कैसे डेवलप करना है, हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं अगला वाला एग्जांपल देती हूँ कि जहाँ पे वही वाला एरे है, और यहाँ पे मैंने टेस्ट केसेस जस्ट टू शो कि पोजीशन कौन सी पोजीशन पे वो अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है। अगर मुझे 46 की कंपेयर करनी है तो 46 में एक के बाद एक कंपेयर करके यहाँ पे आती हूँ, जहाँ पे पोजीशन ऑफ की क्या है, थर्ड पोजीशन है, और आई का पोजीशन भी सेम हो गया थर्ड पोजीशन। ये रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा सक्सेसफुल सर्च। पर अगर हमें 110 सर्च करना है तो वो है ही नहीं हमारी लिस्ट में, इसलिए हम जीरो से स्टार्ट करके वन बाय वन कंपेयर करके एंड ऑफ द लिस्ट तक आ गए, फिर भी हमें नंबर नहीं मिल रहा है, मतलब मेरा पोजीशन ऑफ आई हो गया एंड ऑफ द लिस्ट और हमारा रिजल्ट हो गया सैड। इसका मतलब इट इज अनसक्सेसफुल सर्च। तो आई होप आपको अनसॉर्टेड लिस्ट पे सर्चिंग, लीनियर सर्च, सिक्वेंशियल सर्च, सीरियल सर्च कैसे करना है अभी आपको पता चल गया है। अभी हम अगला एग्जांपल देखते हैं फॉर सॉर्टेड लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो एरे है वो सॉर्टेड है, जिसमें 7 एलिमेंट्स अवेलेबल है। अभी मुझे सर्च करना है नंबर 50 की 50। अगर मुझे 50 नाउ सर्च करना है तो ऑब्वियसली मैं तो जीरो से स्टार्ट करूंगी, जीरो एलिमेंट के साथ मैं 50 कंपेयर करूंगी। अगर वो इक्वल है तो मुझे स्टॉप कर देना है, इक्वल नहीं है तो मुझे आगे जाके फिर से कंपेयर करना है। ये सारी चीजें हो गई यूजुअल, जो कि हमने अनसॉर्टेड लिस्ट के साथ भी की थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50 इज कम्पेयर विथ 20 नॉट इक्वल, 50 30 के साथ कंपेयर हो गया नॉट इक्वल, 50 40 के साथ कंपेयर हो गया ये भी नॉट इक्वल, अभी 50 50 के साथ कंपेयर हो गया जो कि इक्वल है, जिसको हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल सर्च। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो जिस पे मैंने एल्गोरिदम एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे फिर से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, अगर ये इक्वल आता है तो सक्सेसफुल सर्च हो गया, अगर इक्वल नहीं है तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करना है और फिर से कंपेयर करना है। तो ये सारी चीजें इक्वल हो गई, जस्ट सेम एज ऑफ योर अनसॉर्टेड लिस्ट। तो आगे जाके हम अगला वाला एग्जांपल देखते हैं, फिर से वही वाला एरो, पर अब हमारा की है 80 जो हमें सर्च करना है। तो फिर से जीरो से स्टार्ट कर देंगे, 80 कंपेयर हम कर रहे हैं 10 के साथ जो इक्वल नहीं है, 80 कंपेयर कर रहे हैं 20 के साथ वो भी इक्वल नहीं है, 80 कंपेयर कर रहे हैं 30 के साथ वो भी इक्वल नहीं है। चलो आगे जाते हैं वन बाय वन, 40 इक्वल नहीं है, 50 इक्वल नहीं है, 60 इक्वल नहीं है, 70 भी इक्वल नहीं है, और आप देख सकते हो कि हम एट द एंड ऑफ द लिस्ट तक आ चुके हैं और हमारा हमें जो नंबर सर्च करना है वो अब तक हमें नहीं मिला है। इसका मतलब है कि हमारा सक्सेसफुल सर्च नहीं है, जो सर्च हुआ है वो अनसक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि जो हम डेटा सर्च कर रहे हैं वो हमारे एरे में प्रेजेंट है ही नहीं। तो चलो इसके लिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमारा एल्गोरिदम क्या होगा। तो हमने जीरो से स्टार्ट कर लिया, सबसे पहला वाला कंपैरिजन जो है वो करंट एलिमेंट दैट इज जीरो वाले एलिमेंट से हम स्टार्ट कर देंगे। अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें चेक करना है कि जो करंट एलिमेंट है वो लास्ट वाला एलिमेंट है या नहीं। अगर ये लास्ट वाला एलिमेंट है जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो लास्ट वाला एलिमेंट अगर हम वन बाय वन सर्च करते हुए आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा सर्च अनसक्सेसफुल है और यहाँ पे हमें स्टॉप करना है। पर अगर ये हमारा लास्ट एलिमेंट नहीं है, मतलब कि ये इफ वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो रहा है, तो हम एल्स में जाके नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करेंगे और फिर से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारी चीजें हमें करनी है अगर हमारा एलिमेंट इक्वल नहीं है तो। अगर इक्वल है तो हमने लास्ट स्लाइड पे ही देख लिया कि हमारा सर्च सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये हो गया मेरा अगला वाला एग्जांपल। अभी आप बोलोगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, अनसॉर्टेड लिस्ट में भी यही किया था, सॉर्टेड लिस्ट में भी यही कर रहे हैं। तो चलो अगला वाला स्लाइड आपको मैं दिखा देती हूँ जिसपे हम यूज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर डेटा का। अभी यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ 45 इन द सेम लिस्ट। तो
फिर से 0 से स्टार्ट कर देते हैं. 45 हम 10 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल तो नहीं है. हम आगे जाते हैं, 20 के साथ कंपेयर करते हैं, इक्वल नहीं है. 30 के साथ कंपेयर करते हैं, इक्वल नहीं है. 40 के साथ कंपेयर करते हैं, इक्वल नहीं है. नाउ 50 के साथ हम कंपेयर करते हैं, इक्वल तो है नहीं, पर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. क्यों हम स्टॉप करेंगे? अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बोला था कि हम यूज करेंगे अगर हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है तो. इस केस में हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर्ड लिस्ट है. इसका मतलब मैं यहाँ पे दो चीजें चेक करूंगी. जहां पे मैंने हर एक के साथ कंपेयर किया, कंपेयर तो मैं कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं और एक चीज देखूंगी कि ये जो की वैल्यू है मेरा, वो अगर मेरा करंट एलिमेंट से लो अगर होता है, लेस अगर होता है इसका वैल्यू, तो मुझे स्टॉप कर देना है. अभी इस केस में मेरा जो की वैल्यू है वो ग्रेटर है जिसके साथ मैं अभी कंपेयर कर रही हूँ. इसका मतलब आगे जाके मुझे कहीं ना कहीं नंबर 45 मिल सकता है, इसलिए मैं आगे जाना पसंद करूंगी. सो मैं आगे जाऊंगी. 20 से भी 45 ग्रेटर है, इक्वल तो नहीं है, पर ग्रेटर है क्या? हाँ ग्रेटर है, तो मैं आगे जाऊंगी. 30 भी इक्वल नहीं है, पर 30 से 45 ग्रेटर है क्या? हाँ, तो मैं फिर से आगे जाऊंगी. ये भी इक्वल नहीं है, बट 40 से 45 ग्रेटर है क्या? हाँ, इसका मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं मुझे 45 मिल सकता है, इसलिए मैं आगे जाना पसंद करूंगी. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वल तो है नहीं, पर जो हम की वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो लेस है, जिसकी वैल्यू लेस है, जिसके साथ 50 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. इसका मतलब अगर ये मेरा सॉर्टेड लिस्ट है, असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है, तो 50 के आगे वाले सभी नंबर 50 से ग्रेटर रहेंगे. अगर करंट एलिमेंट से ही हमारा की वैल्यू अगर लेस है, तो इसका मतलब डायरेक्टली ऐसे होता है कि आगे वाले एलिमेंट्स ऑब्वियसली 45 के इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि करंट एलिमेंट ही 45 से बड़ा है. तो यहाँ पे ये जो दो नंबर है, मैं यहाँ पे ये कंपेयर नहीं करूंगी, मैं यहीं पे एग्जिट हो जाऊंगी और मैं बता दूंगी कि ये वाला सर्च जो है वो अनसक्सेसफुल सर्च है. सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा कि ये दो सर्च मैंने यहाँ पे किए नहीं है. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं रिड्यूस कर रही हूँ अगर मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट है तो. अभी आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशंस हमें एल्गोरिदम में क्या लिखना है. फिर से हमने जीरो में स्टार्ट कर दिया, कंपेयर कर लिया, जो की वैल्यू सर्च करनी है वो करंट एलिमेंट के साथ अगर नॉट इक्वल है, तो मेनली मैं यहाँ पे क्या चेक कर रही हूँ, जो सर्च करना है इज लेस देन द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द करंट पोजिशन. अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर डेटा के लिए लिया हुआ है. अगर ये लेस नहीं है तो हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है. और दूसरा वाला कंडीशन हमें ये भी चेक करना है कि अगर हम एट द लास्ट एलिमेंट है तो भी हमें स्टॉप कर देना है बाय सेइंग दिस इज अनसक्सेसफुल सर्च. अगर ये सारी चीजें फॉल्स है, ये इफ कंडीशन, दोनों इफ कंडीशन में से एक भी ट्रू नहीं है, तो हमें मूव होना है टू द नेक्स्ट एलिमेंट और उसके बाद हमें फिर से कंपेयर करना है. तो ये वाला एल्गोरिदम वर्क होगा फॉर द सॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. अगले वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद फिर से हमें देखना है, अगर ये नॉट इक्वल है तो दोनों कंडीशन चेक करनी है. कौन सी भी अगर एनी कंडीशन ट्रू होती है तो हम बोल देंगे कि ये अनसक्सेसफुल सर्च है, पर एलिमेंट इक्वल होता है तो हम बोल देंगे कि हमारा सर्च सक्सेसफुल हो गया है. तो ये वाला एल्गोरिदम आपको हेल्पफुल रहेगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर सर्च फॉर द सॉर्टेड लिस्ट. सो यहाँ पे इसके टेस्ट केसेस मैंने और तीन टेस्ट केसेस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं. अगर मुझे 60 सर्च करना है तो 60 हमारी लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हमारा सर्च फिफ्थ पोजीशन पे आके हमें बता देगा कि हमारा सर्च हुआ है सक्सेसफुल. अगर मुझे 75 सर्च करना है तो 75 हम कहाँ तक सर्च करेंगे? एंड ऑफ द लिस्ट, क्योंकि पोजीशन ऑफ की प्रेजेंट है ही नहीं नंबर, तो पोजीशन ऑफ की भी नहीं रहेगी. हम एंड ऑफ द लिस्ट तक आ गए फिर भी हमें नंबर नहीं मिला, इसका मतलब हमारा सर्च हो गया अनसक्सेसफुल. अभी यहाँ पे मुझे 28 सर्च करना है, 28 तो 10 से कंपेयर होगा,
28 is greater than 10 इसलिए वो आगे जाएगा, 28 is greater than 20 इसलिए भी वो आगे जाएगा, और current element जो है वो last element भी नहीं है, दोनों condition true है इसलिए वो आगे जाएगा. अभी ये मैं 28 30 के साथ compare करूँगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 30 के साथ compare होने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी key value less है हमारा जो करंट एलिमेंट जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उससे. इसका मतलब आगे जाके हमें वो की वैल्यू मिलने ही नहीं वाली है, तो हमें क्या करना है, पोजीशन सेकंड पोजीशन पे ही हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा सर्च अनसक्सेसफुल हुआ है. यही अगर मेरा अनसॉर्टेड लिस्ट होता तो मैं यहाँ पे एंड तक कंपेयर करती और हमारे 7 कंपेरिजन होते टू से डैट माई सर्च इज अनसक्सेसफुल. पर यहाँ पे मेरे पास कौन सा लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट है, तो ये सॉर्टेड लिस्ट का हम एडवांटेज लेके हम हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर रहे हैं. तो पोजीशन टू पे ही मैंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि मेरा सर्च अनसक्सेसफुल है, आगे जाके मुझे 28 मिलने नहीं वाला है. सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया है. सर्चिंग दोनों पे, मतलब सॉर्टेड लिस्ट पे कैसे करना है, अनसॉर्टेड लिस्ट पे कैसे करना है, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को कमेंट देना ना भूलिए. इसके साथ साथ मेरे वीडियो के कंटेंट और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. मेरा चैनल टेक टॉक्स, इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए. मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और उसके साथ साथ ये मेरे वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलिए. यहाँ पे आपको बेल रिंगिंग रखना है, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको मेरे चैनल के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन देता रहेगा. यहाँ पे मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. इसके साथ साथ मैं यहाँ पे और कुछ वीडियोस का शॉर्टकट लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा. सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो, वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.